यार आज आप देख रहे हो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट सिर्फ दो ही बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। एक तो कमेंट ये आता है कि यार आप यूट्यूब से कितना रुपये महीना कमाते हो, दूसरा कमेंट आता है कि यार अपना अपना स्टूडियो दिखाओ, आप कहाँ पर बैठ के वीडियो बनाते हो। तो यार आज के जो ब्लॉग है ना, इस ब्लॉग के अंदर आपको पूरा अपना स्टूडियो दिखाऊंगा कि मेरा स्टूडियो कैसा है, कितना रुपये खर्च हुआ है। अभी आप देखोगे तो आप खुद ही देख के दंग रह जाओगे कि मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ। और आपको मैं अपना YouTube अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ कि महीना YouTube से कितना कमाता हूँ, इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यार अभी देखो पूरा सेटअप करके बैठा हुआ हूँ, तो आपको इस तरह दिख रहा हूँ जैसे आप देखते हो कि मेरे मेन चैनल पे स्प्रेडिंग ज्ञान वाले पे मैं इस तरह दिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बट ये पूरा सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अभी जब मैं कॉलेज से आया हूँ तो आने के बाद से कैसे इसको अरेंज किया हूँ, पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूँ, एक बार पहले आप वो देख लो, उसके बाद से आपको पूरा स्टूडियो दिखाता हूँ, फिर आपको अपना यूट्यूब अर्निंग दिखाऊंगा। दोस्तों अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया था यहाँ पर बैठने के लिए, मतलब क्या करना पड़ता है आपने सब देखा होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा एक चीज दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप खुद ही देख लोगे यार कि कितना महंगा स्टूडियो है, फिर कितना सस्ता है, आप खुद भी सारे स्टूडियो बना सकते हो। तो सब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो इस माइक को निकालता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप ये माइक देख सकते हो, ठीक है। ये एक माइक है दोस्तों जो बोया M1 का माइक है, आप लोग जानते होंगे, ये 700-800 में मिलता है। आप चाहो तो और सस्ता माइक भी ले सकते हो, 200-300 में मिल जाएगा, उससे भी काम चल जाता है, ठीक है। प्लस दोस्तों मेरे पास ये एक लैपटॉप है, आप देख सकते हो कि इस लैपटॉप से मैंने यहाँ पर पूरा सामने अपने आप को यहाँ पर बैठ कर पूरा लाइव देखता हूँ, ठीक है, कि कैसा दिख रहा है। सब कनेक्ट कर रखा हूँ, जो मेरे पास कैमरा है, अब आपको कैमरा दिखाता हूँ कौन सा कैमरा है मेरे पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले आप ये देख लो, ये मेरे पास डिजिटेक का रिंग लाइट है हमारे पास, और यहाँ पर है दोस्तों कैमरा, पुराना कैमरा है, हो गया इसको लिए हुए एक साल से ऊपर हो चुका है। ये कैनन M150 मिररलेस है, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर माइक इससे कनेक्ट कर लेता हूँ, और फिर दोस्तों वहाँ पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये चार्जर लगा रखा हूँ, ये रिंग लाइट है, और प्लस कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हो इस टाइप से ये टेबल है। अब आपको टेबल दिखा दूँ, टेबल कैसा है, तो नॉर्मल टेबल है, आप देख सकते हो ये टेबल, जो कि बाहर आपको 300-400 रुपये मिल जाएगा। बैठ कर काम वीडियो बनाता हूँ, तो ये स्टूल है, ये इस पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब मतलब ये नहीं है यार कि आप ये सोचते हो कि यार YouTube में पैसे नहीं है, YouTube से कमाई नहीं होती है क्या, ऐसी बात नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं खरीदा ये सब चीज़ें, मैं चाहता था सोफे खरीद सकता था, मतलब जो भी अच्छा सा चीज़ खरीद सकता था, पीछे डिजिटल बोर्ड लगवा सकता था, सब कुछ कर सकता था, YouTube से इतनी इनकम हो जाती है, ठीक है। बट मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, क्योंकि यार अभी मैं मतलब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ ना यार, तो बाहर रहता हूँ, और ये रूम है, मतलब 2-3 दोस्त हम साथ में यहाँ पर रहते हैं, तो यार यहाँ पर खर्च करके कुछ फायदा नहीं होगा ना। इसलिए यार हम लोग, जो मेरा घर है ना गोरखपुर, वहाँ पर यार हम लोग पूरा अच्छे से यूट्यूब स्टूडियो बनाएंगे, वहाँ पर जो भी पैसे कमाते हैं ना वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा, 2-3 महीने में सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यार इसी रूम में रहता हूँ, यहाँ पर सारा सामान इस तरह से अरेंजमेंट कर लेता हूँ। ये एक चेयर मैंने ले रखा था, अमेजन से मंगाया था कि इसे बैठ के वीडियो बनाऊंगा, बट चेयर इतना बड़ा हो गया, टेबल छोटी पड़ गई, तो कोने में रख दिया, सामान रखने काम आता है। बाकी ये सारे सामान है, ये सब खाने पीने के सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ है, मैगी वगैरह है, ये सब है, सब नॉर्मल ही है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मैं जितने भी लोगों के पास गया, अभी जुन्नू भाई के पास गया था, जुन्नू की टेक है, और वहाँ पर महात्मा जी टेक्निकल सर के पास गए थे, तो सबका एक अच्छा स्टूडियो है यार, क्योंकि वो लोग पूरा सेट है, फुल टाइम यूट्यूबर है। और आप भी, आपको पता ही होगा कि मैं अभी BDS की पढ़ाई करता हूँ, मतलब दांतों का डॉक्टर हूँ, तो यार पढ़ाई के साथ साथ भी मैनेज करना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा समझ रहा हूँ
उतना अच्छे से सब अरेंजमेंट कर नहीं पाया मैं, बट हाँ यहाँ से जब निकलूंगा ना, जब जाऊँगा तो सब अच्छे से अरेंजमेंट करूँगा। और यहाँ तो सब देख सकते हो हमने एसी भी यहाँ पर लगवा रखा है, क्योंकि यार दिल्ली में रहते हो ना तो गर्मी बहुत होती है, तो ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और रही बात यार कि अब आप सोच रहे हो कि यार इतना सस्ता इसका स्टूडियो है, मतलब स्टूडियो में कुछ है ही नहीं, क्या है, कुछ नहीं है, यही है काम का जो आप देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन। इसी तरीके का दोस्तों मेरा 10 लाख से ऊपर हो चुके हैं, तो गोल्डन प्ले बटन भी आने वाला है, ये गोल्ड प्ले बटन ठीक है ना, कुछ दिन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये सब छोटे मोटे सामान है जो कि आप बाहर से कहीं से भी लेकर अपने बैकग्राउंड में रख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है, तो ये हमने ले लिया था। ये सब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे गुलदस्ते हैं ये, जो कि आपको 40-50 रुपये में 100 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है, तो इन सब का चाहो तो यूज कर सकते हो। बट दोस्तों वही बात है कि इन सबों का उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता आपकी वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके का मेरा कुछ रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कैमरा और यहाँ सामने ये सारा, ठीक है। आप सोच रहे हो यार कितना साफ रूम है, ठीक है, साफ रूम नहीं है, अगर आप नॉर्मल डे में देखोगे तो कुछ इस तरह का रूम आपको दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड पे, ठीक है, लेकिन साफ करने के बाद से आप कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं बैठ के यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, अच्छा स्टूडियो रहेगा, तो लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे ना, छत पे खड़े होकर वीडियो बनाता था, ठीक है, छत पर खड़े होकर, और 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो भाई मेरे पास कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं था, छत पर ही खड़ा होकर कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सब कभी देखा मत करो कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, तभी हमारी वीडियो चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ, जब आप कमाने लगो, जब आपके पास पैसा आने लगे, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए और आपको अपग्रेड करना चाहिए, तो हम भी अपग्रेड करने वाले हैं, अभी नया कैमरा लेंगे, अच्छा माइक लेंगे, डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, सब कुछ लेंगे दोस्तों, बट यहाँ पर नहीं, गोरखपुर जब जाएंगे अपने घर तब लेंगे। अब दोस्तों ये सोच रहे हो कि हमने अपना स्टूडियो तो दिखा दिया बट अर्निंग भी नहीं दिखाया। अगर आप अर्निंग देखना चाहते हो दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या दोस्तों पूरा एकदम अच्छे से आपको दिखा रखा है वहाँ पर कि महीना कितना रुपया अर्निंग होती है, आप जाकर देखो वहाँ पे कि यूट्यूब पर पैसे हैं या नहीं पैसे, आपको खुद पता चल जाएगा कि यूट्यूब से महीना लोग कितना कमा सकते हैं, आपको यूट्यूबर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक करके जाना यार, और अब जाके आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलता है सबसे नए वीडियो, तक अपना ख्याल रखिएगा।